अयोध्या जी में 25 लाख दीप जलाए जाएंगे। देखो गाइस भाई, इतना बचा है अयोध्या जी, गुजरात से अयोध्या। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी गुजरातियों को। तो गाइस, आज हमारी यात्रा को भाई 15 दिन हो चुके हैं और अयोध्या जी यहाँ से 178 किलोमीटर है। और गाइस, इतने दिनों में हम लोग मंदिरों में ज़्यादा रुके, तो कल भी हम 14 दिन कल हो चुके थे हमारी यात्रा को, तो इस मंदिर में रुके थे गाइस। देखो, सुखेश्वर जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ के जो पंडित जी थे, यहाँ के उनके बेटे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो रात में हम लोग यहाँ पे रुके थे। अब लखनऊ है गाइस, 30 किलोमीटर के आसपास से। बाकी गाइस, आज भाई 25 तारीख हो गई, 11 तारीख को हम लोग निकले थे, आज 25 हो गई। तो कोई नहीं, चलो वहाँ पे हमने टेंट लगाया था, हमारी साइकिल रेडी है। बाकी चलो अभी थोड़े से भाई सामान वामान पैक कर देते हैं, उसके बाद आगे की ओर निकलते हैं। और ये मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ का मंदिर। तो चलो गाइस, आई अयोध्या जी में 25 लाख दीप जलाए जाएंगे 30 तारीख को, और बहुत बड़ा भव्य आयोजन है वहाँ पे 30 तारीख को। तो भाई 30 तारीख तक पहुँच जाएंगे हम लोग अयोध्या जी, और सभी को मैं दिखाऊंगा वहाँ का जो नज़ारा है, और गाइस राम भगवान की जो पहली दिवाली है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना सभी लोग। सभी को जय जय श्री राम। भाई पूरे रास्ते का काम चालू है, देखो। तो गाइस चलो भाई, यहाँ से ये रास्ता जाता है लखनऊ की ओर, और हमको जाना है भाई यहाँ से बाईपास। तो देखो भाई, यहाँ पे रास्ते का काम चालू है ना, इसीलिए इतनी ज़्यादा मिट्टी है ना, पूछे मत। बाकी चलो, यहाँ से जाना है बाईपास। ये आया गाइस बाईपास, और ये जाता है भाई गाँव में से, तो सीधा ही मिल जाएगा हाईवे, जो कि ले जाएगा भाई अयोध्या जी। तो ऐसा कुछ रास्ता है, ये देखो भाई, कितने दिनों के बाद गाँव का रास्ता मिला है भाई। भाई रास्ता घुमा फिरा के फिर सिटी में ले आया, और इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना भाई, इतनी मिट्टी 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 का बहुत ही ख़राब हालत हो चुकी है। और 2 घंटे तो हो ही चुके हैं सिटी में, और 2-3 घंटे तो लगेंगे यहाँ से बाहर निकलने में, क्योंकि भाई रास्ता ही कुछ ऐसा है। आज तो भाई बहुत खराब 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 हालत है भाई। गाइस अभी के बजे है 9 भाई, और लखनऊ ने तो हमारे 12 बजा दिए भाई। बहुत हालत ख़राब हो गई, क्योंकि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी चलती है, ट्रैफिक इतनी रहती है। हमने शॉर्टकट लिया था, लेकिन फिर से सिटी में आके हाजिर हो गए, और जाना है भाई हमको इस ब्रिज पे। तो आगे की ओर चलते हैं, और देखो भाई हमारे रिजन भाई की हालत ख़राब हो चुकी है एकदम, क्योंकि भाई यहाँ पे मिट्टी इतनी शोर इतना हो रहा है। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। दस बजने वाले, अभी भी हम लोग सिटी में ही है, और यहाँ से देखो अयोध्या 136 किलोमीटर है गाइस। सिटी में निकलते निकलते बहुत टाइम हो चुका भाई। चलो अब रास्ता भाई थोड़ा सा ट्रैफिक नहीं आएगी, सिटी से बाहर होते जा रहे हम लोग। ये देखो भाई लखनऊ का स्टेडियम, हो ये भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ से, तो बहुत ही खूबसूरत है भाई लखनऊ का स्टेडियम। अब सिटी से बाहर होते होते जा रहा हूँ भाई मैं। फाइनली अयोध्या का रास्ता मिल चुका भाई, 123 किलोमीटर है गाइज यहाँ से, आगे जाके इस तरफ मुड़ना है भाई। गाइज देखो भाई ट्रैफिक, भाई चलते चलते जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि ट्रैफिक ही इतनी है। देखो भाई, तो भाई यहाँ से अयोध्या जी के दर्शन कर लो, यहाँ से भाई 125 किलोमीटर है अयोध्या जी का ही। तो भाई सिटी में से निकलते निकलते आधा दिन चला गया भाई। तो भाई
ये देखो अभी भी आगे ट्रैफिक 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 ही है भाई। गाइस हालत खराब हो गई भाई, एक बज चुका है और बहुत ज़्यादा धूप पड़ चुकी है भाई। लेकिन गाइस यहाँ से करीबन करीबन अयोध्या जी बचा है भाई 109-10 किलोमीटर, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका हूँ गाइस मैं। ओ भाई साहब बहुत अपनी निंजा दौड़ी भाई, आज तो बहुत चली, थोड़ा रेस्ट कर लेते भाई। चलो भाई अभी 2:37 हुए, बहुत ही ज़्यादा रेस्ट कर लिया। और गाइस भाई यहाँ से 107 किलोमीटर है अयोध्या जी, मैप में इतना दिखा रहा है, बाकी बोर्ड यहाँ पे लगे होते वो भी अलग दिखा रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो अपने निंजा भाई, हो बहुत साथ दिया अपने निंजा ने भाई, कोई दिक्कत नहीं, वो प्रॉब्लम थी वो तो वैसे चल ही रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो इस तरफ से इस तरफ जाना है हमको, थोड़ी सी धूप अभी कम हो चुकी है गाइस, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो चलो फाइनली गाइस अपने निंजा रेडी चल पड़ी है। बाकी गाइस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो सुबह में साइकिल चलती है वो पूरे दिन में कभी भी नहीं चलती, सुबह से लेकर मतलब 11 बजे मतलब आप जितना रेस्ट करोगे गाइस उतनी साइकिल नहीं चलेगी, वो मुझे पता चल गया। बाकी 12 बजे के आसपास में खाना खाने के बाद साइकिल नहीं चलती है, और उसके बाद भाई 12 बजे के बाद सामने हवा आती है तो उसमें भी नहीं चलती है, तो दिन कैसे जाता पता नहीं चलता है। सुबह में अच्छा टाइम मिलता है गाइस, इसलिए हम जितना चाहे कवर कर सकते, बाकी दोपहर के बाद में कवर करना मुश्किल है गाइस, लेकिन कोई नहीं, चलो मैं तो कर सकता हूँ भाई मुझे पता है। तो चलो अपनी निंजा चल चुकी है आगे की ओर। ओ यहाँ पे देखो भाई टेडी टेडी टेडी, किसी को लेना है तो बताओ भाई, लेते आऊँगा मैं आते आते, ये बड़ा वाला मस्त है एकदम बढ़िया है। तो भाई चलो रास्ता खूब सूर्य है, देखो भाई पेड़ है ऊपर और नीचे भाई, मतलब छाँव मिल रही है जाने के लिए छाँव, ये देखो बहुत सारे वैसे कुछ पेड़ है। मतलब मैं जहाँ से निकला हूँ ना लखनऊ से, वहाँ से ही पेड़ है, इसलिए भाई आराम आराम से जा सकते आगे की ओर। बाकी ओ भाई काम चल रहा है काम चल रहा है काम चल रहा है, गाड़िया तो भयंकर है भाई, बहुत संभल के चलना पड़ता है। ये देख इतना साइड में हूँ फिर भी भाई डर डर के जाना पड़ता है। चलो भाई यहाँ से भाई देखो अयोध्या नगरी 100 किलोमीटर है, चलो अपने निंजा पहुँचने वाली है भाई अयोध्या नगरी। तो भाई दीपावली आ रही है तो सभी को राम भगवान के दर्शन करवाएंगे, बाकी कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख देना। चलो अपनी निंजा पहुँचने वाली है अयोध्या नगरी, जय जय श्री राम। भाई कभी के बजे भाई 4 और देखो शाम होने लगी है, तो अब जगह ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ से अयोध्या जी के 91 या 92 किलोमीटर, तो भाई चलो आगे ढूंढते हैं अभी रहने के लिए आज की जगह। तो रिटर्न भाई हमारे पीछे आ रहे हैं, इतनी देर में मैं जगह ढूंढ लेता हूँ गाइस, तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं और जगह ढूंढते गाइस। अभी एक जगह मिली है यहाँ पे कोटवा सरक करके सिटी है भाई छोटी सी, तो यहाँ पे सामने मंदिर दिख रहा, तो भाई जाके पूछते हैं, उसके बाद भाई देखते हैं रहने को जगह मिलते है या नहीं। लेकिन यहाँ के लोगों ने बोला कि भाई पूछोगे आप तो मिल जाएगी, तो वैसे तो ठीक ठाक मंदिर बहुत बड़ा है भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग भी है उधर घूम रहे हैं, तो चलो पूछते हैं भाई आगे। भाई उधर तो जगह नहीं मिली और वहाँ से अब आगे की ओर निकल रहा हूँ मैं, करीबन 8 किलोमीटर के आसपास जाना होगा, वहाँ पे एक दूसरा मंदिर है। तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ भाई, अभी 6 भी नहीं बजे और देखो भाई यहाँ पे दिन भी ढल चुका है। देखो फाइनली गाइस अभी के बजे है भाई 6 शाम बजने वाले, और यहाँ पे एक मंदिर में जगह मिल चुकी है, ये अपनी साइकिल निंजा यहाँ पे लगा दी है। बाकी गाइस यहाँ से अयोध्या जो 75 किलोमीटर के आसपास है गाइस, भाई चलो आज हमारी यात्रा को 15 दिन हो चुके और यहाँ पे आज भी मंदिर में जगह मिल गई गाइस, तो अभी फ्रेश हुआ। बाकी यहाँ के बहुत बहुत लोग हैं यहाँ पे, और वो भी बहुत सारे अच्छे बहुत ही अच्छे है गाइस। बाकी चलो तो चलो गाइस भाई रात को व्लॉग को एंड करना भूल गया था, तो आज 16 दिन हमारी यात्रा को हो चुकी है, और भाई देखो आज बच चुकी है भाई
साथ, है ना। तो चलो, मैं रुका था रात को मंदिर में, तो वहाँ के पंडित जी बहुत ही अच्छे थे भाई, गुरु जी बहुत ही अच्छे थे और बहुत आराम से रखा भाई, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो अभी भी मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि यहाँ से 74-75 किलोमीटर अयोध्या जी है, तो आज आराम से कवर हो जाएगा। बाकी चलो मिलते हैं एक और नए दिन में, इसी दिन में भाई, और मिलते हैं अगर नए ब्लॉग में, आज के ब्लॉग में। बाकी चलो टाटा बाय बाय, जय श्री राम। सभी को जल्दी से जल्दी करेंगे अयोध्या जी के दर्शन।